किल्हारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गांजा उगाकर बिक्री करने वाले आरोपियों को किया पौधे सहित गिरफ्तार। थाना प्रभारी किल्हारी तेजनाथ सिंह के केवल माह भर पदभार ग्रहण किए हुए हैं कि नारकोटिक्स के दो मामलों सहित अनेकों कार्रवाई से अपराधियों की शामत आते दिखने लगी है। लगभग सप्ताह भर से शांत पड़ चुकी किल्हारी पुलिस अब फिर से सुर्खियों में दिखने लगा है। एक दिन पहले नाबालिग से अनाचार करने वाले आरोपियों को अन्य जिले से गिरफ्तार किए, बाद में 9 नग गांजे के पौधे के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। टीवी 36 हिंदुस्तान के लिए नीलेश तिवारी की रिपोर्ट। श्री संतोष कुमार सिंह जिला कोरिया के द्वारा निजात अभियान के कार्यक्रम के तहत ग्राम क्षेत्र थाना किल्हारी ग्राम क्षेत्रों में गांव-गांव में नशा को ना जिंदगी को हाँ के संबंध में समझाइश दिया गया, जिससे प्रभावित होकर मुखबिर द्वारा दिनांक 11/11/2021 को थाना में उपस्थित आकर सूचना दिया कि मटुपुर का रंग साहब अपने रहर बाड़ी में घर के पास अवैध मादक पदार्थ गांजा का पौधे लगाकर उसके पत्ती और कली को तोड़कर बिक्री करता है, हम लोगों को पिलाता है। की सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देने पर मेरे द्वारा थाना से प्रधान अधीक्षक शेष नारायण सिंह, सादर सिंह मिश्रा, आरक्षक दीपक मिल, सीताराम बारे एवं वाहन तथा गवाह संतोष कुमार तिवारी, पूजित नारायण सिंह को लेकर मौके पर पहुंचकर विधिवत मुखबिर सूचना से आरोपी को अवगत कराते हुए तथा कार्यपालक दंडाधिकारी श्री मनोज पैकरा तहसीलदार किल्हारी के टीम के साथ तत्काल रेड कार्रवाई कर आरोपी रंग साहेब के कब बाड़ी से 9 नग गांजे के पौधे बरामद कर जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 8,210 रुपये है। एवं आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने पर गिरफ्तार कर थाने में अपराध क्रमांक 78/2021 79/2021 धारा 20A NDPS Act के तहत कार्रवाई की गई है।